भी देख सकते हैं, पसंदे एकदम साफ क्लीन और बहुत ही थिन किए हुए हैं ताकि अच्छे से फ्लैटन करें और अच्छे से ये टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो सबसे पहला वाला काम कर लेते हैं जिसमें लगता है टाइम, इसको हमें मौका देना पड़ता है कि इसको प्रॉपर टाइम मिल जाए टेंडर होने का। जैसे कि कच्चा पपीता हमने ऐड कर दिया इसमें और खूब अच्छे से मिक्सअप। अगर कच्चा पपीता ना हो तो बेटा पपीते के छिलके ले लें, पक्के पपीते के छिलके वो डाल दें। छिलकों में होती है गलावट, गूदे में थोड़ी होती है। और अगर जैसे मीट टेंडराइजर वगैरह जो मार्केट में है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो पपीते का मज़ा है ना। अच्छा, ये नेचुरल चीज़ है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इससे आप इसको गलावट दे रहे हैं या इसका प्रोसेस तेज़ कर देते हैं गलावट का। क्योंकि हमने तो आँख खोली तो पपीता ही देखा ना, उस वक्त तो मीट टेंडराइज वगैरह कुछ भी नहीं था। हाँ, ये तो पैकेट के अब मीट टेंडराइजर तो अब दुनिया जैसे जैसे तरक्की की चीज़ें बनती चली गई। और कचरी क्या चीज़ है वो भी? कचरी भी गलावट की चीज़ है जो पंजाब में बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका वो मज़ा नहीं है जो पपीते का है।